और राजसमंद से एक और बड़ी खबर, जहां बेटे ने पिता की हत्या की है। धारदार हथियार से मौत के घाट बेटे को उतारा है। घाटनवली पंग बाड़िया गांव का ये पूरा मामला, कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की तस्दीक की जा रही है। बड़ी खबर राजसमंद से, जहां बेटे ने पिता की हत्या की है। धारदार हथियार से मौत के घाट अपने पिता का उतार दिया है। आपको बता दें कि घाटनवली पंग बाड़िया गांव का ये पूरा मामला, किस वजह से अब इस वारदात को बेटे ने अंजाम दिया, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसकी छानबीन की जा रही है। और विनीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। विनीता, तफसील से बताइए, क्या पूरा मामला है, अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जो घटना हुई, जो पुत्र है, बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से अहमदाबाद था, लेकिन पिता ने इसके काम को ठीक ना समझते हुए वहां से इसे लाकर, जब कल रात में राजसमंद से इसके घर लेकर आया, बाद में इसे तनिकी तौर पर अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। विनीता, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, अधिकारियों से बातचीत हो पाई? जी, घटना को अंजाम देने के बाद जो पुत्र है वो रात को, देर रात जब लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना करी, उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। पुलिस मौके की तलाश में मौका मुआयना किया और जो शव है उसे मोर्चे में रखवाया और जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है। विनीता, जो अन्य परिजन है या फिर जो अन्य घर वाले हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई आपकी? जो उनका कहना है कि जो लड़का है काफी तनकी दिमाग का था, ये आज दिन उसकी हरकतें करता ही रहता है और ये मतलब घर में किसी की सुनता नहीं और बाहर जाकर रहता है, वहां भी इसका कामकाज न ठीक होने की पिता इसका उसको यहाँ लेकर आया था। जी ठीक है विनीता, पूरी कार्रवाई पर आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, अपडेट्स लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। साय करीब 9:15 बजे नवलिया पक से टेलीफोन से सूचना मिली कि नवलिया पक बाड़िया में अमरा राम नाम के आदमी ने उसके पिता श्री पेमा राम की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और जंगल की तरफ भाग गया है। तो आरोपी जंगल